गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे करंट अफेयर ऑफ 12th to 18th June 2023। तो करते हैं स्टार्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया। मैग्नस कार्लसन ने 2023 सुपरबैट रैपिड एंड ब्लिट पोलैंड जीता। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। यूक्रेन में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया। विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती। 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई। भारत ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता। IIT मद्रास ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। नोवाक जोकोविच ने 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। केंद्र सरकार ने अनसुईया विके के नेतृत्व में मणिपुर शांति समिति का गठन किया। नितिन अग्रवाल को BSF का DG नियुक्त किया गया। भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। उरुग्वे ने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है। ADB और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए ₹10,000 मासिक देने की घोषणा की। DU विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा। चेन्नई में स्वैक्स विश्व कप का उद्घाटन हुआ। CNG में संचालित देश की पहली ट्रॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई। RBI ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया। रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। FY 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में राजस्थान शीर्ष पर रहा। शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी पुणे में करेगा। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।